अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और मेरा बेटा जा रहा है स्कूल के लिए, और आज एक कंपटीशन था स्कूल में। दीपावली से पहले आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई कंपटीशन था इनका, तो इन्हें यूनिफॉर्म में नहीं जाना था, तो इसलिए इसको मैंने भेजा था। और ये शायद कुछ भूल गया था, तो ये वापस से आ रहा था मेरे पास। एकदम स्मार्ट लग रहा था, और ये इसके पापा इसको छोड़ने जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और स्माइल कर रहा था प्यारी सी। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी चाय, ये देखें। और चाय का मैं इससे डार्क कलर मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क चाय या पत्ती उसमें लगाना मुझको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यही कलर रखती हूँ चाय का। ज़्यादा काली चाय मुझे नहीं पसंद है। और ये देखें, ये वही वाला आजकल मेरा फेवरेट मग हो गया है, कप मग। ना तो ये कप है ना ये मग है, तो ये मीडियम साइज़ है, उन दोनों के बीच का साइज़ है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है चाय, ये देखें। और ये इतनी भर के चाय मेरे हस्बैंड के लिए लेकर जा रही हूँ मैं, और उन्हीं की मैं से एक दो सिप में ले लेती हूँ लास्ट में। और ये देखें, और उसके बाद वो चाय एंजॉय करेंगे। और उनके कुछ टीथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मेडिसिन वगैरह लेकर आए थे। और मेरे बेटे की भी ये खांसी की दवाई रखी हुई थी, उसको भी कफ कोल्ड हो गया था थोड़ा सा, तो उसको भी मैंने मेडिसिन मंगा के रखी थी। और ये देखें, यहाँ पर मैंने भरवा मिर्ची बनाई है, और यहाँ पर मैं मिर्च प्याज को फ्राई करने वाली हूँ। और साथ में बनाई थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए दाल, क्योंकि उनके दांत में कुछ परेशानी हो रही है, थोड़ा सा उनको पेन हो रहा था, तो वो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, तो उन्हें इसलिए दाल, तोरी की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, ये सब उनको मैं बनाकर दे रही थी आजकल। तो ये मैंने मिर्च फ्राई की थी, जो कि मेरे बेटे ने ही ये खाई हैं, हमको भी नहीं उसने दिया है थोड़ी, कुछ वो लंच बॉक्स में ले गया था अपनी नेक्स्ट डे, और घर पे भी उसी ने खाई हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से मिर्ची वो छोड़ देता है, और अंदर से जो इसकी फीलिंग रहती है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो खाना, मसाला जो इसके अंदर रहता है। और ये देखें, उसी पैन में मैंने अब प्याज और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। मुझे बनानी थी मिर्च प्याज, जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई हैं, फाइन चॉप करके रखी हैं। और ये देखिए, दाल में तड़का मैंने लगा दिया है, और हींग का तड़का और प्याज का तड़का मैंने लगाया है, और हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था, और थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैंने डाला था। और ये देखिए, मिर्च प्याज मेरे बनकर हो गए हैं रेडी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कोई भी सब्ज़ी हमने बनाई हो, और ख़ासकर छाछ के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट अभी मौसम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी कोल्ड हो गया है थोड़ा थोड़ा सा, मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी, तो इसलिए अभी छाछ, मट्ठा, दही, ये चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ, और चावल भी मैं कम ही बना रही हूँ। और ये देखें, अभी हम शाम का खाना खाने लगे हैं, और शाम हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और ये मिर्चें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये नेक्स्ट डे का है, उसके बाद में मैंने सीधा ही दोपहर में वीडियो ली है बच्चों की, ये देखें। और एक बच्चे की यहाँ पर पिटाई हुई है, उसको पनिशमेंट मिला है मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं, ये देखिए, ये क्यूट सा बच्चा है, बट ये बहुत ज़्यादा शरारत करता है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, नहीं मानते हैं बच्चे, नहीं सुनते हैं कहना, तो हो जाता है कभी कभी, पनिश करना पड़ता है। और ये देखें, कुछ मेरे फेवरेट क्रॉकरी आइटम लेकर आई थी मैं, स्टील के बर्तन थे ये कुछ, ये देखें, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मैं क्रॉकरी आइटम्स खरीदती हूँ, तो आप प्लीज़ ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा मैं पैसे खर्च करती हूँ या कुछ, ये सारे जितने भी यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, क्रॉकरी जितनी भी रखी हुई है, ये सिर्फ 100 रुपीज़ में है सभी,
और ये भी मैं सेल में से ही लाई हूँ। बाउल हैं अलग अलग तरह के और छोटे बड़े बाउल हैं। ये एक छोटी सी प्लेट थी और एक ये राउंड शेप में कटलरी होल्डर भी था, साइड में रखा हुआ था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसकी स्टील भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। ये देखिए, मैंने इनको वॉश कर दिया है और उसके बाद मैंने इन्हें सुखा लिया था अच्छे से। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से शाइन कर रही थी ये स्टील। और ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इस होल्डर में आ गई थी, और इसमें ब्रश, स्ट्रेनर, स्पैचुला, सीजर, ब्रश, सब कुछ इसमें आ गया था। जितने भी स्पून्स मेरे मुझे डेली यूज़ में चाहिए होते हैं वो सब इसमें आ गए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे से पिलर, नाइफ सब आ गए थे इसमें। और ये देखें काफ़ी अच्छा इसका साइज़ था। और अगर हम इसको सिंगल पीस भी परचेज करने लगते हैं तो वो भी हमें 150-200 समथिंग हमें पड़ेगा, इतने का ही हमें लेना होगा ये, और शॉप से अगर हम लेते हैं। बट ये सारी चीज़ें मैंने कॉम्बो जो भी लिया है ये 100 रुपीज़ का ही था, और ये काफ़ी अच्छा मुझे पड़ गया था। तो इसमें मैंने फ़ौरन से ही सारी चीज़ें इस होल्डर में डाल के रख दी। मैं इतनी एक्साइटेड थी इसमें लगाने के लिए अपने सारे स्पून्स, और मेरे पास इतना बड़ा कोई होल्डर था भी नहीं। ये देखें, और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस जो ड्रॉर में ये सब चीज़ें रखी हुई थी वो मेरा बच गया था। और एक ये मैं लेकर आई थी, पीलर थे दोनों, और ये काफ़ी अच्छे थे, बट अभी मेरे पास थे तो इनको मैंने अलग रख दिया था। जब वो मेरे ख़राब हो जाएंगे तब मैं इनको यूज़ करूँगी। तो ये देखें, और ये अच्छा भी काफ़ी लग रहा था, डिज़ाइन भी इसका काफ़ी प्यारा था। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।